दिमाग लगा कि अपने हाथ ऐसे करके टकिंग कर लूँ, मैंने वो कर लिया ताकि मेरे हाथ पैर ना टूटे। आप याद रखिए कि आपके बाद आपकी फैमिली भी जो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करती है, बिकॉज जब मेरा एक्सीडेंट हो रहा था, मैं जमीन पर पड़ा हुआ था, जब मैं एकदम अनकॉन्शियस था, मेरे को चक्कर आ रहे थे, तब मुझे बस मेरी फैमिली के बारे में ही याद आ रहा था एंड मेरे क्लोज वंस के बारे में ही याद आ रहा था। हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे मेरी बाइक R15 V3 क्रैश हो गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया था एंड मेरी बाइक कम्प्लीटली फ्रंट एरिया से टूट चुकी है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेसिकली मेरे साथ हुआ क्या क्या मैं करने गया था। ये जो इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ, जो एक्सीडेंट हुआ है 15 अगस्त को, यानी कि 15 अगस्त को जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था, उसी दिन ये इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ। सुबह मैं राइड पर गया था एंड मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा एंड इस राइड से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। गुड न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ तो भाई है कि मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं, एंड बैड न्यूज़ पता है आप लोगों की, थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि बाइक मेरी कम्प्लीटली टूट चुकी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को, जो मैं जितना ब्लॉग शूट कर पाया था, मैं बेसिकली अपना ब्लॉग शूट करने गया था, ठीक है, ब्लॉग शूट कर रहा था अपना, ठीक है। जब मैं ब्लॉग शूट कर रहा था, उसके बाद जब मैं मोटो ब्लॉगिंग वाले सेटअप में गया, यानी कि मोटो ब्लॉगिंग कर रहा था, मेरे यहाँ पे एक्शन कैमरा लगा हुआ था, वो भी एक्शन कैमरा भी दोस्त का था, उसको भी खो गया एक्शन कैमरा, वो भी टूट गया, बाद में मिला ही नहीं वो एक्सीडेंट होने के बाद, कहाँ गया, किसने उठाया या क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला उसका भी। तो अब मैं आपको सबसे पहले अपना ब्लॉग दिखाता हूँ, जो कि मेरे ख्याल से 3 मिनट के आसपास का ब्लॉग ही शूट हो पाया जितना मैं एडिट कर पाया हूँ। तो एक बार आप लोग वो देख लो। 4:45 हो रहे हैं सुबह के एंड रेडी फॉर राइड। अपनी रानी को हमने निकाल लिया है और उसको हमने सर्विस वगैरह, वॉश वगैरह सब करा लिया था। तो हमेशा की तरह हमारा जो मीटिंग पॉइंट होता है वो है हमारा हाईवे के नियर जैन शिकंजी, ठीक है। सुबह सुबह हमारे जो इधर वाले राइडर थे यहीं पे मिलते हैं, बट हमेशा की तरह कोई नहीं आया, बस मैं ही खड़ा हूँ मेरी रानी के साथ। और पुलिस की चेकिंग वगैरह बड़ी तगड़ी चल रही है आजकल, राइडर्स वगैरह को तो रोक नहीं रहे, खाली गाड़ी वगैरह की चेकिंग, जो कि ऑब्वियसली बात है भाई, हमारा देश का इतना बड़ा दिन है तो चेकिंग तो भाई मैंडेटरी है, बट कोई बात नहीं, राइडर्स को ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, जाने दे रहे अच्छी तरीके से। तो अभी हमारे से 3 राइडर्स आए हैं, मोनू भाई और अब हमारे भाई, अभी और बाइक्स भी आने वाली हैं। अब भराएंगे हम पेट्रोल, जो कि हो रहा है 101 रुपये। हम तो मर गए भाई, भाई लगता है पेट्रोल भराते भराते गरीब हो जाएंगे, पेट्रोल भराते भराते गरीब हो जाएंगे। ब्रो रैपिंग से भी दिक्कत हो सकती है ब्रो, ये रही भाई की R15 V3 और वो रही अपनी R15 V3। साइड बाई साइड देखने में कितनी मस्त लग रही है, दोनों का सेम कलर है, बट तुम्हारी हाँ, पता नहीं लग रहा। मेरी भी गाइस जो है मेरी भी यही रेड वाली है, पर देखने में बिल्कुल पता नहीं चल रहा, नहीं लग रहा पता, ऐसा लग रहा ब्लू कलर है कोई अलग। हाँ ये रे सारे के सारे राइडर्स। यो बेबे, BMW इंटरसेप्टर कॉन्टिनेंटल R15 Duke 390 Duke 250 BS6 R15 V3 ZX6R। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हुए हैं 15 अगस्त है और आज हम आए हुए हैं सुबह मॉर्निंग राइड पे। सुबह से जब मैं 4 बजे निकला घर से, भाई पूरी खाली रोड है, एकदम अंधेरा हो रहा है, जुप जुप करके बाइकें चल रही हैं। और अभी मैं जिस ग्रुप में हूँ, बॉप ग्रुप के अंदर हूँ मैं, और सारी हमारी बाइकों का यहाँ पे लाइनअप लगा हुआ है। अभी मैं आपको सारी की सारी बाइक दिखाऊंगा, मेरी बाइक जो है रानी वो भी दिखाऊंगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लाइनअप से, R15 V3 इंटरसेप्टर Duke 250 BS6 हिमालयन, आपकी कॉन्टिनेंटल GT Duke 200 BS6 ये भी अच्छी लग रही है, BMW GS है या फिर R है, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया हो तो, Duke 390 मक्खी की, ये भाई अपनी रानी लुकिंग हॉट एंड सेक्सी एज ऑलवेज, R15 V3 और वो खड़ी हुई आपकी चेतन भाई, ये लेकर आए हैं अपनी BMW GS, हाँ ये GS है, वो उधर वाली R है, और ये रही आपकी GS भाई, इसका तो बाइक का ओवरऑल फुटप्रिंट ही बहुत बड़ा है। और ये रही आपकी Duke 390 वन मोर,
ड्यूक 250 भी खड़ी है, आपकी पल्सर भी खड़ी है, और उधर वो भाई भी खड़े हुए हैं एनएस के साथ। सो दिस इज टुडेज लाइन अप बेबी, और अभी और राइडर्स भी हमारे साथ ज्वाइन होंगे। तो ये मिली हमें पर्ची शेरा पंजाब फूड, जो ढाबा है जहाँ पे जेस फिल्म्स भी जाते हैं, वहाँ की पर्ची है ये खाने की, क्योंकि आज वहाँ पे लगा है बफे और आज हमें हमारी पर्ची मिल गई है। इसके बिना हम भूखे मर जाएंगे। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि मेरी बाइक की क्या हालत हो चुकी है, एंड ये देखने के बाद मैं तो गाइज बहुत ज़्यादा सैड हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा सैड हूँ, बिकॉज भाई इस बाइक को बनाने में मैंने अपना खून पसीना लगा दिया था, पैसे तो लगे ही लगे थे, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है जब उसका रैपिंग में करवा रहा था, मैंने क्लीनिंग बाइक की खुद से करी, कितना रैप में मैंने खुद एक दो स्टिकर्स अपने हाथ से लगाए थे, टेपिंग वगैरह खुद से करी थी, एक एक मॉडिफिकेशन हर एक चीज़ बाइक के अंदर मॉडिफाइड थी, लीवर गार्ड्स, लीवर्स हो गए, ब्रेक्स हो गए, टेल टाइडी हो गई आपकी, एंड रैपिंग तो आप लोग देख रहे थे, बबल वाइजर, सीट्स मॉडिफाइड, हर एक चीज़ मतलब मैंने मॉडिफाई करवा दी थी। एंड जब मैं वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे में से लेकर भी गया था, तो हर एक बंदा उसको देख देख के कह रहा था कि भाई क्या बाइक ले गई, देख के कोई बता नहीं पा रहा था कि ये R15 V3 है। तो बेसिकली जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ इस टाइम पे, मैं मोटर व्लॉगिंग कर रहा था एंड मैं कॉर्नरिंग कर रहा था, एंड मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई थी, फिफ्थ गियर पे था, मैं फिफ्थ गियर को पूरा पुश कर चुका था जितना R15 जाता है, आई थिंक मैं अराउंड 100 से तो मैं ऊपर ही होऊंगा, एंड देन मैं टर्न ले रहा था कॉर्नरिंग करते टाइम, एंड देन मेरे सामने एक पैशन प्रो के पर्सन थे, वो अचानक ही मेरे सामने आ गए, ठीक है, तो मैं उनमें आके कोलाइड हो गया। तो उस टाइम पे ऐसा एक्सीडेंट हुआ, मैं वहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ कि जैसे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरी तो बाइक हवा में एक दो बार घूमी और फिर नीचे भटक कर गिर गई। फिर अगर आपने बाइक की पिक्चर देखी होगी तो आप देखेंगे कि हैंडल बार एंड थ्रॉटल पूरा घिस चुका है, वो इसलिए क्योंकि बाइक हवा में घूम चुकी थी और मैं तो हवा में उड़ के सीधे चला गया था, तो मैं तो हवा में उड़ के गया एंड मैं नीचे गिरा, एंड मैं गोल 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 घूमने लगा था। वो तो मेरा भगवान का शुक्र है कि भाई मैंने गियर्स पहन रखे थे, तो ये मेरे ग्लव्स हैं, मैं ग्लव्स की फ़ोटो डाल दूंगा, ये इन्होंने मेरे को बचाया, मेरा हेलमेट है, हेलमेट का भी मेरा जस्ट आगे का ये वाला हिस्सा टूटा है, नहीं तो हेलमेट भी खाली और पीछे खाली यहाँ पे स्क्रैच है, मेरे हेलमेट ने मेरे को बचा लिया। एंड उसके बाद गाइज अगर मैं आप लोगों को फ़ोटो दिखाऊँ अपनी इसकी जैकेट की, तो गाइज मेरी जैकेट की तो इतनी बुरी हालत हो चुकी है, मेरी पूरी की पूरी जैकेट फट चुकी है, हर एक जगह से जैकेट फट चुकी है, हर एक तरफ से, अंदर से देखोगे, पीछे से देखोगे, हर जगह से पूरी जैकेट यहाँ से फट चुकी है, उसका पीछे से तो पूरा रगड़ा रगड़ा खा चुका है, ये हो गए। और अच्छा है कि उस दिन मैं कार को पहन के चला गया था, एंड जो मेरे शूज़ थे ये पैराट्रूपर के शूज़, इन शूज़ ने गाइस मेरे को इतना ज़्यादा बचाया ना, अगर ये शूज़ नहीं होते तो मेरे तो पता नहीं पैर वैर सब छिल जाते, आर्मर नहीं होता तो मैं पूरा छिल जाता, मेरी पीठ छाती सब, अभी जो मेरी चोट है ये बस मेरे यहाँ पे एक चोट है, यहाँ पे एक चोट है, यहाँ पे दोनों घुटने थोड़े बहुत छिले हैं, चेस्ट में भी मेरे पता नहीं दिख नहीं पाएगा, यहाँ पे भी है, और इंटरनली भी थोड़ी बहुत चोटें लगी हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्रंट में रिब केज जिसमें दर्द है, पीछे बैक में पेन है, तो वही सारी चीज़ें जो कि क्योंकि मैं हैवी भी हो रखा, मेरा वीडियो भी बढ़ रखा है, मैं ऊपर आसमान में सोचो कि 100 के ऊपर फीट में हवा में उड़ गया, एंड मैं धब नीचे करके गिरा हूँ, एंड मैं घिसटते घिसटते वहाँ तक चला गया आगे तक। मेरे दोस्त बता रहे भाई तेरी बाइक तो घूम के इधर गिर गई थी, तू वहाँ सामने गया उड़ते उड़ते। तो गाइस मेरे जो गियर्स हैं, इन गियर्स वगैरह का भी आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिकॉज इन्होंने मेरी जान बचाई है। मैं लिख के कह सकता हूँ अगर मेरे जूते नहीं होते, मेरा हेलमेट नहीं होता, मेरी जैकेट नहीं होती और मेरे ग्लव्स नहीं होते, तो मैं शायद बैठ के भी ये वीडियो नहीं बना रहा होता। एंड स्पेशली ये पैराट्रूपर वाले शूज़, इन्होंने इनको तो बिल्कुल भी खरोच नहीं आई, तो एकदम सही सलामत है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें डैमेज हो गई हैं, बट ये एकदम सही सलामत है, तो उनका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस जब इंसिडेंट हुआ, आप लोगों ने देखा कि मेरी बाइक खड़ी हुई थी पोल पे, मेरे को ऐसे करके मैं पीठ के सारे बैठा हुआ था, सब लोग मेरे आसपास मेरे को पानी वगैरह पिला रहे थे, मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी, मैं बेहोश हो गया था, फिर मैं खड़ा हुआ, फिर मैंने मेरी बाइक को देखा, बाइक को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, बिकॉज मैंने ये बाइक बहुत मेहनत से ली थी, खुद के पैसों से ली थी, इसमें इतनी मॉडिफिकेशन करवाई, इतना पैसा लगवाया जस्ट मेरी शॉप के लिए, एंड देन उसको देख के, मैं बाइक को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया।
देन मैं फिर बेहोश हो गया। देन वहाँ पे कुछ लोग थे, वो कार थी उन लोगों पे, देन उन्होंने वो कार पे लेकर शॉटल शॉटल था लेकर गए। ये जो इंसिडेंट हुआ है GFR में हुआ है, गुड़गांव फरीदाबाद रोड, काफ़ी सारे राइडर्स संडे GFR जाते हैं, वहाँ पे मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। एंड उस टाइम पे जब मेरे को लोग गाड़ी में ले गए, शॉटल शॉटल था लिया थे, तो क्योंकि बाइक तो स्टार्ट हो ही नहीं रही थी, तो क्या हुआ कि मेरे दोस्तों ने समहाउ जिस बाइक को ड्रैग करके बोलो कि जैसे तैसे करके उसको खींच के तान के बगल में पेट्रोल पंप है वहाँ पर उन्होंने छोड़ दिया। तो जी बाइक तो पेट्रोल पंप पे पड़ी हुई है। जिन लोगों के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ उन लोगों के लिए हम लोगों ने एम्बुलेंस करके बुलाई, उन लोगों को भी एम्बुलेंस लगी, उनकी बाइक भी पेट्रोल पंप पे छोड़ दी, ठीक है। और मेरे को क्या करा कि मेरे साथ क्या हुआ कि उन लोगों को तो एम्बुलेंस ले गई थी, तो मेरे दोस्तों ने मेरे को क्या करा जैसे तैसे करके दिल्ली ले आया वापस, एंड RK हॉस्पिटल, वहाँ पे RK हॉस्पिटल ने मेरे को लेकर चले गए। देन मेरे पेरेंट्स वगैरह भी आए, ठीक है। देन मैं तो घर आ गया, मेरी बाइक वहीं पे खड़ी हुई थी। देन मैंने घर आ गए, मैंने मम्मी को बताया, सबको मतलब फैमिली में सबको बताया कि क्या हुआ मेरे साथ। देन उसके बाद लेटर ऑन हमें, मेरे को चिंता उन लोगों की भी थी जिन लोगों के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ, हमारी मेरी फैमिली को भी उन लोगों की चिंता थी कि उन लोगों को तो कुछ नहीं हो गया। तो जब मेरे को इतना डैमेज हुआ, मैं हवा में ऐसे उड़ के गिर गया, वो तो मेरा शुक्र है कि भाई भगवान की दुआ है कि उस दिन मैंने हेलमेट और जैकेट और ग्लव्स और शूज़ पहने हुए थे, वरना पता नहीं क्या होता। देन उसके बाद हम लोग जो उन, फिर मेरे चाचू दादू पापा एंड मौसा जी एंड सब के सब गाड़ी में यहाँ से वहाँ पे गए वापस GFR, ठीक है। छोड़ल छोड़ल के बगल में चौकी है, वहाँ से पूछताछ करी कि जी सुबह ऐसे इंसिडेंट हुआ है, क्या हुआ, कैसे हुआ, जिन लोगों को चोट लगी उन्हें कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए हैं, जो बाइक थी उसका क्या हुआ। तो फिर ये पता चला कि जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, जिन लोगों के साथ मेरा, उन लोगों को भी हॉस्पिटल लेकर गए थे। फिर हम लोग, वो मेरी फैमिली उनसे भी मिलने गई, मैं तो जा नहीं पाया बिकॉज मेरी तो खुद की चोट लग गई थी, मैं तो खुद बेड रेस्ट पे था। एंड आज तो 18 तारीख है, मैं 18 तारीख को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, हुआ इंसिडेंट 15 तारीख को है, एंड 2-3 दिन से मैं भी जस्ट लेटा हुई हूँ, कम्प्लीट बेड रेस्ट पे हूँ, मेरी भी हालत ठीक नहीं है, ठीक है। तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि यार उनकी गलती थी, वो भी सामने आ गए। मैं, आप लोगों ने देखा ब्लॉग में कितने सारे लोग थे, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। देन हम लोगों ने उन लोगों से मिले, एंड देन उन लोगों की भी चोट वगैरह लगी थी, देन उनके हॉस्पिटल वगैरह भी वहाँ पे जो जितना सॉर्ट आउट था वो मेरी फैमिली ने करा, उनको भी ऑब्वियसली बाद हम लोगों ने कंपेंसेशन दी। बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि भाई भगवान की दुआ कि उन लोगों को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, उन लोगों को ऐसे कोई बहुत सीरियस इंजरी नहीं हुई थी। बिकॉज हुआ क्या था कि वो ऐसे जा रहे थे, मैं थोड़ा उनसे साइड में टकरा था, कॉर्नरिंग कट रहा है, साइड से मैं उनसे टकराया था, तो मेरी बाइक तो घूम के सामने गिर गई एंड मैं आगे चला गया, एंड वो लोग जस्ट साइड में गिर गए थे खेतों वगैरह। तो बाइक तो भाई ऐसी कंडीशन में थी कि बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। देन एंड जब मेरे को वहाँ से, जब मैं, और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे को वहाँ से जो हमारे वॉक ग्रुप के लीडर हैं आसिम भाई, वो मेरे साथ उसमें बैठ के आए थे, क्या बोलते हैं, ओला में, बिकॉज जिस दोस्त की गाड़ी में मेरे को थ्रॉटल शॉटल लाए थे, फिर वहाँ से चले गए थे। देन ओला करके आसिम भाई के साथ मैं घर आया, एंड मेरा दोस्त मुकुल, वो भी अपनी Duke 390 पीछे पीछे आ रहा था। देन मुकुल ने और आसिम भाई दोनों ने मिलकर मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तो रात का टाइम हो गया था, तो रात को कोई कौन इतनी दूर से कैसे बाइक चला के लेकर आते, बाइक स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। देन नेक्स्ट डे मैं, मेरे फादर और मुकुल गए, हमने जैसे जैसे करके बाइक को वहाँ से मैकेनिक से दिखाया, एंड मैकेनिक ने क्या करा, दोनों तारे जोड़ के जैसे जैसे बाइक स्टार्ट करवा दी। एंड देन मेरा दोस्त मुकुल बेचारा इतनी धूप में वहाँ से, इतनी धूप में बेचारा वो बाइक चला के लेकर आया, तो भाई उसका भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, एंड आसिम भाई का भी थैंक यू, उन सारे लोगों का थैंक यू जिन्होंने भी मेरे को एक्सीडेंट के टाइम पे मेरे को उठाया, मेरे को पानी पिलाया, मेरे को स्टेबल करा। एंड थैंक यू टू माई फैमिली, चाचू को, दादू को, दादी को, मम्मी को एंड मौसा जी को एंड सबको जिन्होंने मेरी इतनी ज़्यादा केयर करी, मेरे लिए भाई इतने ज़्यादा भागे, वहाँ गए, वहाँ पर इतने दूर गए, फिर वहाँ से आए, सारा मैटर सॉर्ट आउट करा, बिकॉज मैं तो अकेले सब कर नहीं पाता, बिकॉज मैं तो बेड पर पड़ा हुआ था। देन बाइक हम जैसे जैसे करके लेकर आए, एंड देन बाइक हमने वहाँ पर दे दी, सर्विस सेंटर दे दिया। तो जहाँ तक बाइक की बात है, बाइक तो फिर ऑब्वियसली बात है ठीक तो करवानी करवानी है, सर्विस सेंटर दे रखी है, उस पर भी बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, बिकॉज बाइक पूरी टूट चुकी है, 40-50 हज़ार का खर्चा बाइक पे आएगा ही आएगा नॉमिनल, मैंने वहाँ सर्विस सेंटर पर बात करी है। अब मेरे को जहाँ तक लगता है कि राइडिंग वगैरह मैं इतनी हाई स्पीड पर बाइक अब नहीं चलाऊँगा, बिकॉज कहते हैं कि एक बार इंसान को जब चोट लगती है तभी जो समझ आती है। मेरे जो गियर्स हैं आपको इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इन्होंने मेरे को बचा लिया मरने से, एंड ट्रस्ट मी गाइस, इन गेम्स ने मुझे एक बार जीने से बचा लिया, मेरे को दूसरी लाइफ मिली है ये, एंड हर किसी का थैंक यू जिन्होंने मेरे इस टाइम पे हेल्प करी, मेरी मुकुल आसिम भाई, मेरी पूरी पूरी फैमिली, चाचू दादा दादी मम्मी पापा। एंड तो बाइक तो अब टूट चुकी है, अब देखते हैं सर्विस सेंटर से कब बाइक आती है, जब भी आएगी उसका भी ब्लॉग मैं शूट करूँगा। अब वो भी बाइक कौन सी, उस पर मैं किट डलवा रहा हूँ, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं बाइक के, तो मैंने कुछ जान पहचान थोड़ी बहुत लगाई है, थोड़ा कोशिश करी कि एक लिमिटेड एडिशन वाली जो किट एक बार बीच में आई थी यामाहा की R15 की, वो वाली उस पर डलवा सकूँ।
तो अब देखते हैं क्या हुआ, कब बाइक आएगी। एंड इन सब चीज़ों से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। भाई देखो, अपना नुकसान तो हुआ ही हुआ, मेरी बाइक जिसको मैं इतना प्यार करता था, जिससे मैंने इतना पैसा लगाया था, उसका नुकसान हुआ ही हुआ, ठीक है। उस पर भी अब पैसे लगेंगे 40-50 हज़ार से ठीक कराने के। मेरे गियर्स डैमेज हुए क्योंकि अभी डैमेज हो चुके हैं, इनको मैं फिर यूज़ नहीं कर सकता। ग्लव्स फट चुके हैं, जैकेट टूट चुके हैं, हेलमेट फिर भी काफ़ी हद तक बचा हुआ है 90%, बट स्टिल मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज एक तरीके से इसने मुझे एक बार बचा लिया, वो बहुत बड़ी बात है। शूज़ मेरे काफ़ी हद तक ठीक है, इनको मैं फर्दर यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि भाई, स्पीड थ्रिल्स बट ऑल्सो किल्स। तो प्लीज़ मेरी ऐसी गलती ना करें। आप बाइक के शौकीन हैं जी, बाइक चलाओ, बट प्लीज़ थोड़ा ये चीज़ें रिस्की हैं। ये सोचो कि मैं तो 155 सीसी की बाइक से गिरा हूँ, जिन लोगों के पास और ज़्यादा सीसी की बाइकें होती हैं तो उनके जब एक्सीडेंट होते होंगे तो वो कितने डेडली होते होंगे। मैं तो जस्ट बाई चांस भगवान की दुआ से बच गया कि मैं जब हवा में उड़ रहा था, मैं जब जमीन पर गिरा, मैं घूम रहा था, मैंने अभी इतना दिमाग लगाया कि अपने हाथ ऐसे करके टक इन कर लूँ, मैंने वो कर लिया ताकि मेरे हाथ पैर ना टूटे। बस जैसे जैसे मैं बच गया। मैं हर चीज़ आप लोगों से शेयर करता हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली से, तो मैंने ये भी शेयर करा, बाइक जल्दी ही ठीक होकर वापस आएगी। एंड जब वो आएगी उसकी वीडियो भी मैं डालूंगा, उसके लिए मेरे नए प्लान्स हैं, नए गियर्स के भी प्लान्स हैं, उसकी वीडियोज़ भी अपकमिंग आएगी आएगी। एंड आपके गियर्स इन गियर्स से भी बेटर होंगे, चाहे मुझे थोड़ा मनी इन्वेस्ट करना पड़े, क्यों ना करना पड़े। बस यही बताना था, प्लीज़ सेफली राइड करिए। एंड आप याद रखिए कि आपके बाद आपकी फैमिली भी जो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करती है, बिकॉज जब मेरा एक्सीडेंट हो रहा था, मैं जमीन पर पड़ा हुआ था, जब मैं एकदम अनकॉन्शियस था, मेरे को चक्कर आ रहे, तो तब मुझे बस मेरी फैमिली के बारे में ही याद आ रहा था एंड मेरे क्लोज वंस के बारे में ही याद आ रहा था। तो आई होप कि आप लोग मेरी मिस्टेक से सीखें। अभी मेरे को भी रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो